वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं सारनाथ घूमने, जो कि वाराणसी में है, प्लेस की तरह है। वहाँ पे वो जगह बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने में है और वहाँ पे कई सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस आते हैं बहुत अलग अलग जगह से घूमने के लिए। तो वहाँ पे हम चलने वाले हैं, देखेंगे कि आपको भी दिखाएंगे कि वहाँ का नज़ारा कैसे है सारनाथ में। और अभी हम फिलहाल निकल चुके हैं साइकिल से, आधे दूरी हमारे यहाँ से करीबन सारनाथ से 2 किलोमीटर अंदर है। वहाँ पे जाने के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं वहाँ पे जगह कितना बढ़िया बढ़िया और दिखने में भी ब्यूटीफुल जगह है वो। तो चलिए चलते हैं अभी। तो देख सकते हो भाई साहब, हम लोग आज हम पहुंचने वाले हैं सारनाथ, जो कि कई सारी यहाँ पे टूरिस्ट बस भी देख सकते हो आप। यहाँ पे बगल में फिर टूरिस्ट बस आई हुई है, यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए। कई जगहों से लोग यहाँ पे आते हैं ना घूमने के लिए, इसलिए अब बहुत भी भीड़ भी मची रहती है यहाँ पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे घूमने के लिए, देख सकते हो आप दोस्तों यहाँ पे कई टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। अब चलते हैं हम लोग आगे, हम लोगों को वहाँ पे जाना है। बस हम लोग को यही जाना है बगल में, साइकिल खड़ा करना आप देख सकते हो। तो फाइनली दोस्तों अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, बस हमें यहाँ पे जाना है। वहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है और रास्ते भी आने जाने के लिए यहाँ पे गाड़ियों को बस से जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं और फिर हम आगे चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। चलो आगे रास्ता देख के पार करना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों को देख सकते हैं आप लोग, कई लोग यहाँ पे हैं भाई साहब। अब हम देख सकते हैं, आओ जल्दी जल्दी आओ, हम आपको दिखाते हैं। ये मेरे को मूर्ति लग रही है एकदम सोने की, आप देख ही सकते हो यहाँ पे डेस्टिनेशन। ये मेरे को मूर्ति एकदम गजब लग रही है, पीली कलर की मूर्ति एकदम लग रही है सोने की, गोल्डन कलर की मूर्ति लग रही है मेरे को, एकदम बढ़िया तरीके से सजावट की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन नीचे महादेवी सरोवर है, यहाँ पे पानी में बहुत बढ़िया बढ़िया मछली भी है, शायद मेरे को दिख रहा है नहीं है यार, इसमें तो मछली भी है भी नहीं। अब आगे चलते हैं, फिर वो वाले मूर्ति पे चलते जो हम नागमणि को आपको दिखाए थे पहले भी, वहाँ पे धीरे धीरे चलते हैं पहले ब्लॉगिंग करते करते। देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और जैसे भी आप यहाँ पे आओगे, अगर सारनाथ कहीं भी अगर आप डेस्टिनेशन सारनाथ अगर आप घूमने आओगे तो पक्का यहाँ पे जरूर आना है। ओ भाई यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी आपको मैं एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। ये जो है एकदम गजब, मतलब की आर्टिस्ट ने बनाई है और एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से सजावट की गई है। ऊपर ये देखो बहुत बढ़िया तरीके से बनाई गई है मूर्ति यहाँ पे, और एकदम नागमणि की तरह दिख रही है। हाँ चल आओ, अभी हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे भी, चलो नज़ारा देखते हैं। यहाँ पे भी कई बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, एकदम यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को एकदम फ्रेश फील होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप दिखाते हो वो वहाँ पे, वो जो मूर्ति है वहाँ पे हम दिखाते हैं। अरे वहाँ पे दिखाओ यार, आगे दिखाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, फिर आगे से हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अभी फिलहाल में। यहाँ पे देख सकते हो सबसे बड़ा, यहाँ पे बहुत बढ़िया। फिलहाल से मेरा कैमरा जो है बंद हो चुका था, क्योंकि मेरा जो है मैं मोबाइल से खींच रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है टेम्परेचर हाई होने पे फिर कैमरा बंद कर देता है शूटिंग जो है, इसलिए गड़बड़ कुछ दिखा रहा था इसमें मेरे मोबाइल में। अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे ऐसे मेरे को नज़ारे दिख रहे हैं बहुत बढ़िया, आपको दिखाता हूँ घुमा घुमा के। अब देख सकते हो आप ये जो मैंने बड़ी मूर्ति है जो आपको दिखाई दी है, फिर अब आगे से चलते मैं वहाँ पे आपको ले चलता हूँ। चलो चलते हैं,
वहाँ पे ले चलता हूँ मैं आपको, वो जो दिख रहा है गौतम बुद्ध का मंदिर, वहाँ पे जो है प्रतिमा उनकी स्टैचू है, वहाँ पे ले चलता हूँ अभी फिलहाल में। चलो देखते हैं आपको और दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से सजावट है और यहाँ पे फ्लावर भी देख सकते हो आप, यहाँ कितनी मज़ेदार तरीके से फ्लावर भी है। चलते चलते मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे आप सामने आने के बाद तो आपको दिखाई देगा, ये रहा यहाँ पे गौतम बुद्ध का मंदिर। अब वहाँ पे चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, आओ यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं क्या तरीके से। हाँ यहाँ पे गौतम बुद्ध के मंदिर, यहाँ पे नारियल का पेड़, ये मेरे दोस्त साथ है, अबे आओ जल्दी जल्दी, यहाँ पे देख सकते हैं। या ये जो है ये है बुद्ध की प्रतिमा, देख ही सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से बनाया गया है इसमें। यहाँ पे और भी कई सारे घूमने की चीजें हैं यहाँ पे, अभी आपको ले चलते हैं हम उस टेम्पल के अंदर, वहाँ पे भी कई लोग जा ही रहे हैं, हम भी उनके साथ ही चलते हैं। गार्डन हाँ चलो आओ चलते हैं अंदर, फटाकते हम भी देखने चलेंगे। अभी मेरे को यहाँ पे शूज निकालना पड़ेगा, शूज निकाल के फिर अंदर हम लोग को जाना पड़ेगा क्योंकि मंदिर है ना यार, मंदिर के अंदर हम जूते पहन के तो नहीं जा सकते। आओ अंदर जाके देखोगे कितना बढ़िया प्रतिमा दिखा रही है। आओ चलो चलते हैं अंदर हम लोग, चलो देख सकते हो बहुत अभी बहुत यहाँ पे गोल्डन बच रही है, यहाँ पे मूर्ति आपको अंदर जाके दिखाते हैं, देख सकते हो कितनी बढ़िया मूर्ति यहाँ पे दिख रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इतना बढ़िया दिख रहा है। हाँ सही है, कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग यहाँ पे निकलने लगते हैं, यहाँ से निकलते हैं अब हम लोग क्योंकि बहुत बढ़िया सजाया, बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत बढ़िया मूर्ति भी है वहाँ पे। फिर हम अपना यहाँ चप्पल पहन लेते हैं, जूता चप्पल जो भी है पहन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पार्क है जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि रेस्ट करते हैं, यहाँ पे आके बैठ के जो भी यहाँ पे घूमता होगा यहाँ पे रेस्ट करेगा। ये जो है स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, यहाँ पे देख सकते हो आप, देखिए ये जो है अशोक स्तंभ है। फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे हम दिखाएंगे कितने सारे यहाँ पे लोग, यहाँ पे करीबन भीड़ जो है देख ही सकते हो आप, वहाँ पे वहाँ से देख सकते हो कि भीड़ यहाँ पे जो है बढ़ती ही जा रही है यहाँ पे। चलिए चलो अंदर चलते हो, ओ भाई साहब वहाँ पे भी दिखाता हूँ मैं आपको चल के अभी फिलहाल में, और यहाँ रास्ता कहाँ है यहाँ से, हाँ वहाँ से रास्ता है, वहाँ से चल के फिर आपको वहाँ पे दिखाते हैं हम लोग। चलो देख सकते हो यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे ये कितना बढ़िया पेड़ है, नीचे एकदम छाव दिया है, सब वहीं पे फोटो खींच रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस है ना भाई यहाँ पे, इसी वजह से। वहाँ पे देख सकते हो आप, वहाँ पे मंदिर है बुद्धा टेम्पल। चलो नीचे वहाँ पे चलते हैं अभी हम देखने के लिए। देख सकते हो आप ये जो है पत्थर है, बहुत भारी है, हाँ पहले बहुत भारी पत्थर था, वहाँ पे देख सकते हो बहुत बढ़िया मंदिर है, दिख रहा है ना। चलो आओ फाइनल लोकेशन जा रहे हैं, अभी चलते हैं मंदिर के पीछे, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर बैठना मना है। ओ भाई साहब अच्छा देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम चलते हैं पीछे की तरफ, हाँ चलो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। ये देखो भाई ये है पीछे का मंदिर, कई बहुत बढ़िया है, देख सकते हो प्राचीन मंदिर है ये जो है। अब चलते हैं हम लोग पीछे से, बैक साइड से पीछे से चलते हैं, फिर घूमते घूमते फिर आगे निकल जाएंगे हम लोग। पीछे से देखो ये पीछे का नजारा है यहाँ पे काफी बढ़िया, हाँ ये जो है पीछे का नजारा है, यहाँ से हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखो
कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे पीछे का, वहाँ पे भी दिखा दो भाई, वहाँ पे भी दिखा दो, बहुत बढ़िया तरीके से नज़ारा है। अब चलो आओ यहाँ पे हम चलते आगे, यहू के अंदर जाए वाला दिल्ली बन, यहाँ पे हम लोग अंदर जा सकते थे, अंदर जाके दिखा सकते। अब हम लोग दोस्तों घर आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पे हम जाके बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अगर वीडियो आपको अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपको नई जगह पे, तब तक के लिए।